हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा फैकलॉन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का जो आयोसेंस एनर्जी मॉनिटरिंग पोर्टल है उस पर मीटर को प्रोग्राम कैसे करना है, जो कि बहुत ही एडवांस एंड इजी है। तो आइए चलते हैं। इस पर आपको जाना है iosense.io, जो कि उनका वेब एड्रेस है। जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुलेगा जिसमें आपके सामने यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ध्यान रहे, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको फैकलॉन लैब के द्वारा ही दिया जाएगा उनकी सर्विसेज लेने के बाद। और जब उनकी सर्विसेज एक्टिव हो जाएंगी तो वो आपको आपके मीटर का आईडी भी देंगे और आपको यूजर एंड पासवर्ड भी दे देंगे। जब आपके पास यूजर एंड पासवर्ड होगा तो आप यहाँ पर अपना यूजर पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि मैं एक यूजर पासवर्ड डाल रहा हूँ। आप यहां पर इसको सेव कर सकते हैं तो आपको बार बार यूजर एंड पासवर्ड आपको नहीं डालना पड़ेगा। इसमें अब आपको डालना है जो आईडी आपको दी गई है फैकलॉन लैब के द्वारा। जब आपको ये स्क्रीन दिखेगी तो आप यहां देखेंगे ओवरव्यू एंड डिवाइसेस। आपको डिवाइसेस पे क्लिक करना है। ये आपको कुछ मीटर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड दिख रहे हैं क्योंकि ये मैंने पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। अब लेट्स एग्जांपल, आपको एक आईडी आया है वहाँ से फैकलॉन लैब की तरफ से, आपको वो इस पर प्रोग्राम करना है। ऐड डिवाइस, यहाँ पर हम डिवाइस का कुछ नाम देंगे। लेट्स से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जो आपको आईडी दिया है वो FKEM_AS12 है। अब हम इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब आपके सामने खुल गया है। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, डिवाइस एडिट सक्सेसफुली। अब हम नीचे जाकर देखेंगे, देखेंगे ये डिवाइस हमारा ऐड हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक करके देखेंगे कि हमारे पास कुछ रीडिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और आप देखेंगे कि लाइव रीडिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं क्योंकि सर्विसेज इस पर स्टार्ट हैं और आपकी डिवाइस सही से कनेक्टेड है। हम वोल्टेज देख सकते हैं, हम इसमें करंट देख सकते हैं, पावर फैक्टर देख सकते हैं, एक्टिव पावर देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक्टिव पावर यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसका मतलब इसमें हमको मल्टीप्लाई फैक्टर लगाना पड़ेगा। जो भी फीचर्स आपके मीटर में होंगे वो आपको इस पर नज़र आएंगे, जो फीचर्स मीटर में नहीं होंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एक्टिव एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो हमको मल्टीप्लाई फैक्टर इसमें लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई फैक्टर लगाने के लिए हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके सेंसर्स कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्टिव पावर टोटल से शुरू करना है मल्टीप्लाई फैक्टर लगाने के लिए। एम मीन्स मल्टीप्लाई फैक्टर, अभी ये 1 है, हम इसको 0.001 करेंगे। सिमिलरली
हम एक्टिव पावर फेज वन में भी मल्टीप्लाई फैक्टर 0.001 और बाकी सभी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर सब में हमको मल्टीप्लाई फैक्टर डालना पड़ेगा। अगर आपका रीडिंग ठीक आया है, जो आपके मीटर पे है, मैच कर रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं डालना है, ये ध्यान रहे। फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं डालना है, अपेरेंट फॉरवर्ड अपेरेंट एनर्जी में डालना है एंड फॉरवर्ड एक्टिव एनर्जी में डालना है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और अपडेट करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल पहले भी ठीक था, वोल्टेज लाइन टू लाइन पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, करंट हमारा ठीक था, पावर फैक्टर भी पहले ठीक था। अभी एक्टिव पावर देखिए, अब ये ठीक हो चुका है क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर लग चुका है। ये आपका टोटल एक्टिव पावर है, ये फेज वाइज एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, ये अपेरेंट पावर है। ऐसे ही आप बाकी सारे डाटा इसके अंदर, लाइव डाटा आप इसके अंदर देख सकते हैं। सो आपका ये डिवाइस ऐड हो चुका है। लेट्स गो बैक और अब एक और डिवाइस को हम ऐड करते हैं। ऐड डिवाइस, प्लस पे क्लिक करना है आपको। डिवाइस नेम, लेट्स से यहाँ पर लिख देते हैं डीजी पावर। डिवाइस का आईडी 810, FKEM_810। ओ मीन्स ये आईडी ऑलरेडी एडेड है, दूसरा आईडी ऐड करने का कोशिश करते हैं। FKEM_A15 हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फाइनली हम इसको सबमिट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ये आईडी डीजी पावर ऐड हो चुकी है। अब इसको खोल के देखते हैं कुछ डाटा आ रहा है क्या। यस, अभी आप देख सकते हैं कि ये डाटा आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर आपका एक्टिव पावर ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर इनको अभी देखेंगे कि ये अदर कैटेगरी में ये डिवाइस ऐड हो चुकी हैं। अगर हमको इनका कैटेगरी डिफरेंट करना है या सेक्शन डिफरेंट बनाना है, साइट वाइज, कैटेगरी वाइज, कैसे भी हमको इनको अलग करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है। SEC सेमीकॉलन एंड हम अब सेक्शन का नाम लिखेंगे कि किस सेक्शन में हमको ये करना है।
लेट से डी जी सप्लाई, हम ये एक सेक्शन का नाम दे रहे हैं, नेक्स्ट, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे अपडेट। अभी हम देखेंगे कि एक सेक्शन बन चुका है नया, ये देखिए डी जी सप्लाई एक सेक्शन बन चुका है और उसके अंदर आपका एक मीटर ये ऐड हो गया है। आप जितने भी मीटर में डी जी सप्लाई सेक्शन डाल देंगे वो सारे मीटर इस सेक्शन में आ जाएंगे। मान लीजिए इसका भी कोई एक अलग से सेक्शन बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर मीटर का, सेक्शन पे क्लिक, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एस ई सी सेमी कॉलन लेट से ई बी सप्लाई, जिन भी मीटर में हम ये डालेंगे सेक्शन वो इसी सेक्शन में ऐड हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे एक सेक्शन और बन चुका होगा ई बी सप्लाई, जो मीटर पहले से ऐड है हम उनमें भी सेक्शन डालने का कोशिश करते हैं, इनमें सेक्शन लेके आते हैं। इसका सेक्शन हम चेंज करते हैं, एस ई सी सेमी कॉलन ई बी सप्लाई, तो नेक्स्ट करेंगे एंड अपडेट करेंगे। अभी आप देखेंगे ई बी सप्लाई सेक्शन में दो मीटर ऐड हो चुके हैं। मान लीजिए डी जी सप्लाई में कोई मीटर लेके आना है सेक्शन में, इनमें से कोई भी एक मीटर, लेट से हम इसको लेके आते हैं। एस ई सी सेमी कॉलन डी जी सप्लाई, तो अभी आप देखेंगे डी जी सप्लाई में भी हमारे मीटर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से इन मीटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।